जीडीए के द्वारा राप्ती नगर में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों के लिए 260 फ्लैट की नई परियोजना लेकर आ रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि राप्ती नगर विस्तार योजना में एक नई परियोजना आ रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि पत्रकारों के लिए योजना लाई जाए। उस समय पत्रकार पूरम योजना लॉन्च हुई थी, जिसमें 480 फ्लैट बने थे, जो कि सभी बुक हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि अधिवक्ताओं व शिक्षकों के लिए भी योजना लाई जाए, जिसके बाद जीडीए के द्वारा 260 फ्लैट की गई नई योजना लॉन्च हुई है, जिसमें 32 फ्लैट की 8 बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें 2 बिल्डिंग अधिवक्ताओं के लिए रिजर्व किया गया है और 2 शिक्षकों के लिए है, 2 पत्रकारों के लिए है तथा 2 बिल्डिंग अन्य कोई भी व्यक्ति बुकिंग करके ले सकता है, जिसकी बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसकी कीमत 30 लाख रखा गया है। इसके अलावा खोराबार में भी एक योजना लाई जाएगी। रेरा से परमिशन मिलने के बाद धनतेरस से बुकिंग की जाएगी, जिसमें काफ़ी प्लॉट्स रहेगा, इससे शहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि खोराबार में 1000 से ज़्यादा फ्लैट बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो अभी जो मेन परियोजना हमारी आ रही है वो राप्ती नगर विस्तार योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया था कि पत्रकार साथियों के लिए योजना लॉन्च करने के लिए, तो उसमें पत्रकार पूरम योजना लॉन्च हुई थी और 480 फ्लैट्स दिए गए थे, वो पूरे संतृप्त हो गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि अधिवक्ताओं और शिक्षकों के लिए भी योजना लॉन्च किया जाए। तो अब जो है नई योजना लॉन्च हुई है, आपने देखा होगा कल जो है हम लोगों ने लॉन्च करी है 260 फ्लैट की, तो इसमें 8 बिल्डिंग हैं और 32 फ्लैट के, तो उसमें 2 बिल्डिंग जो होगी, 2 ब्लॉक जो होगा वो अधिवक्ताओं के लिए होगा, 2 शिक्षकों के लिए होगा, 2 पत्रकारों के लिए होगा और 2 नॉर्मल किसी के लिए भी होगा। तो वो योजना भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और वो 15 सितंबर से उसकी बुकिंग भी शुरू हो रही है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह भी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया जा रहा है, उसको पब्लिश भी किया जा रहा है। तो वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था अधिवक्ताओं, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए, उसकी जो है वो पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम लोग को प्लॉट्स की योजना, ग्रुप हाउसिंग की योजना आम जन के लिए लागू लाना चाहिए, तो उसमें खोराबार में हम लोगों ने स्कीम बनाया है। खोराबार स्कीम में हमारा काम चल रहा है, सड़क का, सब स्टेशन का, नाली का इत्यादि का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको हम लोगों ने रेरा में भी अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने में हमें वहाँ से रेरा से अनुमति मिल जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि धनतेरस में उसको बुकिंग शुरू करें, तो उसमें काफ़ी सारे प्लॉट्स रहेंगे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कितने फ्लैट बनाए जाएंगे इसमें? तो जो हमने बताया राप्ती नगर विस्तार योजना में 260 फ्लैट अभी ला रहे हैं, उसके बाद हम लोग 300 फ्लैट की और योजना लाएंगे जल्दी ही, 2-3 महीने में, तो टोटल वहाँ पे 550-600 फ्लैट हो जाएंगे। जो खोराबार है उसमें 1000 के ऊपर संख्या में प्लॉट्स आएंगे, तो बहुत अच्छा स्कीम आएगा, उसमें काफ़ी लोगों को